हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरी इस वीडियो में। आज हम चैप्टर 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3rd है उसको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3rd में लिखा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ये ABCD है, ये रेक्टेंगुलर है। एक लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चाक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये 1 मीटर डिस्टेंस पे लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं। 100 फ्लावर पॉट्स हैज बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD। जो AD लाइन है यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। सो ये 100 फ्लावर पॉट्स हैं तो ये AD जो हो जाएगा हमारा वो 100 हो जाएगा, 100 मीटर। एज शोन इन फिगर 7.12 निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। इसने AD का जो 1/4 डिस्टेंस कवर किया एंड ऑन द सेकेंड लाइन में एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, इसने ग्रीन फ्लैग लगाया। एंड प्रीत रन्स 1/5, प्रीत ने 1/5 डिस्टेंस कवर किया ऑन AD ऑन 8th लाइन एंड पोस्ट से ग्रीन रेड फ्लैग, यहाँ पे रेड फ्लैग लगाया 8th लाइन में। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स, हमें यह बीच में डिस्टेंस निकालना है। एंड इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ दें, एक लाइन बना दें, तो इसके हाफ वे में जो रश्मि ने अगर ब्लू फ्लैग लगाना होगा तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, उसका पोजीशन क्या होगी हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, इसको ये कहाँ पे फ्लैग लगाना होगा। ओके सो हम इसको सॉल्व करते हैं अपने बॉक्स में। सो ये हमारा कॉपी है, आंसर कॉपी। सो इसमें देखें, सो पहला हम ये ले लेते हैं पॉइंट, एंड पॉइंट ले लेते हैं। ये निहारिका है, निहारिका ने यहाँ पे ग्रीन फ्लैग लगाया है और ये है प्रीत ने यहाँ फ्लैग लगाया है। इसके हम कोऑर्डिनेट ले लेंगे XY। ओके और इसके हम कोऑर्डिनेट ले लेंगे X1 Y1। ओके सो ये जो पॉइंट है इसके बीच में हाफ वे बिटवीन द N और P, जहाँ निहारिका ने फ्लैग लगाया है और जहाँ पे प्रीत ने फ्लैग लगाया है उसके हाफ वे में रश्मि ने फ्लैग लगाया है, वो ब्लू फ्लैग लगाया है। सो उसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसको हम ले लेते हैं Q पॉइंट और इसके हम ले लेते हैं X2 Y2। ओके सो हम लिखेंगे निहारिका, रन्स ऑन सेकेंड लाइन में उसने कवर किया। ओके एंड कवर्स 1/4, उसने 1/4 ऑफ AD। ओके 1/4 ऑफ AD डिस्टेंस कवर, 1/4 ऑफ AD डिस्टेंस उसने कवर किया। सो हम करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय निहारिका, निहारिका के डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 1/4 ऑफ AD। AD की तरफ हमने देखा था कि 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो 100 मीटर हो गया AD। तो निहारिका ने 1/4 डिस्टेंस कवर किया 100 का, तो यह आ जाएगा इक्वल टू 25 मीटर। सो निहारिका ने 25 मीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस कवर किया। ओके और सेकेंड लाइन में कवर किया तो इसका एक्स जो हो जाएगा एन का, इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2x जो हो जाएगा 2 हो जाएगा और y जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा अलॉन्ग AD। ओके सो हम लिखेंगे प्रीत रन्स ऑन 8th लाइन, उसने प्रीत ने 8th लाइन में रन किया एंड कवर्स 1/5 ऑफ AD, उसने 1/5 डिस्टेंस कवर किया प्रीत ने, तो इसने लिखेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रीत, ये हो जाएगा 1/5 ऑफ AD, दैट इज 1/5 ऑफ 100, तो यह आ जाएगा 5 × 5 = 10 = 20। ओके 20 मीटर, ये 25 मीटर हो गया। ओके तो अलॉन्ग 8th लाइन, तो इसका एक्स जो हो जाएगा वो 8th हो जाएगा एंड जो वाई जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा अलॉन्ग AD। ओके सो अब हम लिखेंगे
सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस हो गया एन, और हमें एन और पी के बीच में डिस्टेंस निकालना है एन पी। सो यह हो जाएगा हमारा 225 और 820। तो इसमें हम अगर इस फार्मूले में देखें तो एक्स वन जो है हमारा वो 2 है, वाई वन जो है वो 25 है, एंड एक्स टू जो है हमारा वो 8 है, एंड वाई टू जो है हमारा वो 20 है। नाउ अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स टू है जो हमारा 8 है, 8 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है 20 माइनस वाई वन कितना है 25 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस टू 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 6 या 36 प्लस 25, ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस 25, ये आ जाएगा 61 मीटर बिटवीन एन पी। जो डिस्टेंस हमारा आ गया वो बिटवीन द टू फ्लैग्स जो आएगा हमारा 161। हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, ये हो गया 161 मीटर। ओके, सो अब उसने सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसने पूछा है जो रश्मि ने अगर ब्लू फ्लैग लगाना है बी में, तो हम इन दोनों फ्लैग्स के बीच में हाफ वे में रश्मि ने ब्लू फ्लैग लगाना है तो वो कहाँ लगाएगी, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स टू वाई टू, हम निकाल रहे हैं क्यू इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू। तो क्यू के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो ये हम इसको हमने हाफ वे है तो इसका ये हो जाएगा, मतलब जैसे मैं आपको बताऊं जो हाफ वे है इसका, एन पी का हाफ है, तो ये हो गया 1:1, क्यू ने एन पी को 1:1 में डिवाइड किया है। ओके, ये 1 ओके 1:1 में क्यू पॉइंट ने एन पी को 1:1 में डिवाइड किया है। सो इसमें हमारा एम वन जो आ जाएगा हमारा वो 1 है, और एम टू भी है हमारा वो भी 1 है। सो हम इसमें लगाएंगे सेक्शन फार्मूला, तो वो सेक्शन फार्मूला जो हमारा है वो उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, सिमिलरली एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। ओके, सो ये हो जाएगा एम वन हमारा 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स टू जो है हमारा वो है हमारा 8 है, 8 प्लस एम टू जो हमारा वो 1 है, और एक्स वन जो हमारा है वो 2 है। ओके, एम वन प्लस एम टू 1+1 2 आ गया है, और एम वन जो हमारा वो 1 है, एंड मल्टीप्लाई बाई वाई टू, वाई टू कितना हमारा 20 है। ओके, एंड प्लस एम टू जो हमारा 1 है, मतलब है वाई वन जो है हमारा वो 25 है, डिवाइड बाई 1+ एम वन प्लस एम टू 1+1 2, तो ये आ जाएगा 8+2 डिवाइड बाई 2 एंड 20+25 डिवाइड बाई 2। सो ये आ जाएगा 8+2, ये आ जाएगा 10/2, दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारा 45/2, तो ये आ जाएगा हमारा 5 2 5 10, और ये हमारा आ जाएगा 22.5। ओके, ये हमारा एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। तो हम लास्ट में लिखेंगे इसमें कि रश्मि विल पोस्ट, इसने फ्लैग लगाना है ब्लू फ्लैग, ये पूरा लिखना है एग्जाम में ताकि आपको 10 out of 10 मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ब्लू फ्लैग ऑन, ये है फिफ्थ है, एक्स के वैल्यू 5th आई है। ओके, एक्स टू की वैल्यू 5 आई है, और वाई टू की वैल्यू 22.5। हम लिखेंगे फ्लैग ऑन फिफ्थ लाइन एंड ऑन 22.5
मीटर अलोंग एडी या अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एडी जो रेक्टेंगुलर शेप जो मेरा ट्रायंगल था बुक में हमने देखा था, उसमें जो अलोंग एडी 22.5 मीटर और फिफ्थ लाइन में उसने वो फ्लैग लगाना है, ब्लू फ्लैग। एंड अवर क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।